हेलो फ्रेंड्स, सीपाई में आपका स्वागत है। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th का है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, मेरे पास नोट्स पड़े हैं, आपको फटाफट से समझा देता हूँ और वन वन वीडियो बनेगी पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, सबसे पहले कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो पाया जाता है ना। और अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन होता है 0.02% पाया जाता है ना। एटमॉस्फेयर में जो है, मतलब इसके जो नेचर है, मतलब जैसे ना ऐसे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और लगभग जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर जो भी लिविंग थिंग है, उन सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं कि बेसिकली ना ये जो कार्बन है, कार्बन का एक नेचर है, वो नेचर है कि ये शो करता है अपना क्या, कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है। क्या करता है बताओ? कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बताओ? 6 है। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना बताओ? 2, कितना है? 4 है। ठीक है, अब ऐसा है ना, ये जो फोर है इसको 8 बनाना, या फिर ऑक्टेट रूल के लिए चाहिए इसको, ऑक्टेट रूल के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और बनाने हैं। तो अगर, मतलब देखो, अगर ऑक्टेट रूल यानी कि जिसको ना नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, उसको अटेन करना है, तो ये क्या कर सकता है? गेन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो लेकिन अगर ये डायरेक्टली 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऐसे टाइम पे ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्योंकि देखो, 6 अगर प्रोटॉन होंगे कार्बन के पास, और एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको होल्ड कर पाना 6 प्रोटॉन के बस की बात नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकता है ये बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर दे, और ऐसे में क्या हो जाएगा, मतलब लार्ज अमाउंट की एनर्जी चाहिए, है ना, कि सारे के सारे एनर्जी, मतलब जैसे आपके ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको निकालता जाए निकालता जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। तो ऐसे केस में कार्बन क्या करता है उसको देखें, तो ऐसे केस में ना जो कार्बन है ना, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, क्या करता है बता, लूज करता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि जिसको, मतलब जो है कार्बन क्या करेगा बताओ, सॉल्व करने की कोशिश करेगा अपने आप को। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कार्बन जो काम करता है उसका नाम है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, है ना। क्या करता है बताओ? ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए क्या करता है, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की जो वो होती है, मतलब कंडीशन है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, कि इलेक्ट्रॉन को शेयर होना चाहिए। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल में, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूँ वही वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और किसके साथ करेगा? तो वो होंगे आपके हाइड्रोजन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया एक, दूसरा हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, है ना, और जैसे क्लोरीन हो गया, इनके साथ होगा। तो जैसे अब ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है ये फॉर्म कैसे हुए उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप जानना चाहें कि कोवलेंट बॉन्ड बना कैसे, तो उसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपको ये तो आता है ना कि जैसे मान लो आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दिया किसने, क्या दे दिया बताओ? अगर आपको हाइड्रोजन दे दिया, तो क्योंकि आपको पता है जो जो हाइड्रोजन होता है ना, ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये अपना अपने आप को, मतलब ये 1 से अगर 2 जाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी 2 में आना चाहता है, तो दोनों क्या कर सकते हैं बताओ? शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं आप, एक हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है तो इसके पास भी क्या बताओ? एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने क्या कर दिया? शेयरिंग कर दी इलेक्ट्रॉन की, है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब दोनों के, जैसे ये न्यूक्लियस है एक हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस है दूसरे हाइड्रोजन का, तो दोनों के इक्वली में रहेंगे, यानी कि इसके यहाँ से और इसके यहाँ से जो डिस्टेंस होगी दोनों इलेक्ट्रॉनों की, वो क्या होगी बताओ? इक्वल होगी। तो
तो ऐसे केस में आपका क्या बन जाएगा बताओ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दरअसल होता क्या है, अगर टू इलेक्ट्रॉन कहीं पे टू इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए है ना, टू इलेक्ट्रॉन शेयर में आपका हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बताओ, सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो आप कि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ऐसे ही देखो अभी यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो आप, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.6 होता है ना। तो यहाँ पे देखो आपके जो ऑक्सीजन में ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि तीन पेयर दे रखे हैं, यही क्या है बताओ, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या होगा, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन मतलब इसको भी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे देखो ये ए सिक्स है, ये सिक्स से कहाँ जाना चाहेगा बताओ, एट की तरफ जाना चाहेगा। जो दूसरा ऑक्सीजन होगा उसका भी कितना होगा, 2.6 होगा, ये भी कहाँ जाना चाहेगा बताओ, एट में जाना चाहेगा। तो बात ये होगी कि दोनों ही दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे कर रखी है दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जैसे कि हम जानते हैं टू इलेक्ट्रॉन में सिंगल बॉन्ड बनता है, तो फोर इलेक्ट्रॉन में कितना कितने बॉन्ड बनते हैं बताओ, डबल बॉन्ड बन जाते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड। इसलिए आपने देखा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है बताओ, आपके डबल बॉन्ड है। उसके बाद देखो ऑक्टेट क्या इनका पूरा हुआ वो भी देख लो, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये, चार और चार ये शेयरिंग वाले, आठ इस वाले ऑक्सीजन के लिए जो कि आपके राइट हैंड की तरफ है। लेफ्ट हैंड वाले के लिए भी दो चार इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले, चार इलेक्ट्रॉन अपने ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इतना हो गया, बढ़िया। फिर देखो ऐसे ही मान लीजिए आपको दे दिया N2 मॉलिक्यूल दे दिया, क्या दे दिया बताओ, N2 मॉलिक्यूल दे दिया। तो N2 मॉलिक्यूल के लिए आप क्या करेंगे, आप N2 मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, देखें ये है आपके पास नाइट्रोजन है ना, समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन के पास दे रखे हैं इसने, जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.5 होता है। कितना होता है बताओ, 2.5। तो अगर 2.5 होता है तो एक बात पक्की है, अगर 5 से इसको 8 में जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये शेयर भी कितना करेगा बताओ, शेयर शेयर भी 3 इलेक्ट्रॉन का ही करेगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसे देखो आप, ये जो अब 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें से 2 का पेयर बन गया है ना, ये जो 2 का पेयर बन गया, सॉरी सॉरी हाँ ठीक है, और 2 का ये पेयर बन गया आपका एक, और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे ये वाले बताओ, शेयरिंग में। ये जैसे 3 इलेक्ट्रॉन एक से आए, 3 इलेक्ट्रॉन एक से आए, तो इससे क्या हो गया बताओ, 3 पेयर आ गए इलेक्ट्रॉन को, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसे में क्या होगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिंगल बनता है, तो 3 पेयर में कितना बन जाएगा बताओ, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, सही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, ये देखो तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए शेयरिंग वाले, कितने, 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ये भी हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ कोवेलेंट बॉन्ड नेचर, ठीक है। उसके बाद देखो इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो है आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। तो जैसे H2O और CH4 का बनाते हैं, देखो हम CH4 का बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए सुनना, हम CH4 का बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए CH4 का बनाने के लिए आप क्या करेंगे बताओ, कार्बन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा है ना। और ऐसे ही हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 4 हाइड्रोजन सबका एक ही होगा। अब यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या करेंगे, देखो इस 4 को हमें पहुँचाना है किसमें, 8 में पहुँचाना है, और ये जो A1 है इसको कितने में पहुँचाना है बताओ, 2 में पहुँचाना है शेयरिंग करके। कैसे होगा, एक कार्बन आया, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा, ठीक है। और हर एक जो हाइड्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये हाइड्रोजन आपने ऐसे कुछ लिख दिया, और हर एक हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे डोनेट कर देगा वो, है ना, यहाँ पे इसने डोनेट कर दिया। तो फाइनली बना क्या, देखो पहले कार्बन ने अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉनों में घेर लिया, ऐसे कुछ कर दिया है ना,
उसके बाद जो ये हाइड्रोजन है इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन बना लिए, इसने भी कर लिया ऐसे ही, है ना, और इसने भी कर लिया ऐसे ही, ठीक है, और ये भी कर लिया ऐसे ही, ये आपका क्या बन गया बताओ, CH4 बन गया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कार्बन को देखते हो तो दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, चार, दो, छः, दो, आठ। हाइड्रोजन के भी दो दो इलेक्ट्रॉन बनने थे जो बन चुके हैं, ठीक है, सिंपल सा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला, तो दरअसल बात यह है ना कि अगर शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ जाते हैं काम में, है ना, अगर कहीं पे शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसको बोला जाता है हमेशा क्या, इसको हमेशा बोला जाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखना है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम को समझ लेते हैं। सुनना जी, बेसिकली ये बनने का रीज़न क्या है उसको समझते हैं, मतलब इसका इतना ज़्यादा पाया जाना, मतलब जैसे वर्सटाइल नेचर आया ही क्यों, ठीक है ना, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके ना इसके पास ना कार्बन है ना, जो ये कार्बन है, कार्बन के पास दो कैरेक्टर है, एक कैटिनेशन कैरेक्टर है, दूसरा क्या है, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि भाई चार इसके पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और कैटिनेशन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ज़्यादा पाया जाता है उसको कैटिनेशन बोला जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन, ठीक है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैटिनेशन, ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकन फॉर्म्स अ कंपाउंड विद हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 एटम्स ऑफ सिलिकन। देखिए, जैसे आपको ना मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि कैटिनेशन में जैसे आप लोगों ने देखा होगा CH4 देखा होगा आपने, C2H6 देखा होगा, C3H7 देखा होगा, C4H10 देखा होगा, C5H12 देखा होगा, है ना, सो ऑन ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई बताओ, कैटिनेशन हो गई, ठीक है। सेकंड चलते हैं टेट्रावेलेंसी। देखिए टेट्रावेलेंसी क्या होती है उसको समझते हैं सबसे पहले, है ना, टेट्रावेलेंसी को समझ लेते हैं। ठीक है, टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी क्या होती है उसको जान लेते हैं सबसे पहले जी, समझना। तो टेट्रावेलेंसी में चलते हैं कि टेट्रावेलेंसी हैविंग वैलेंसी ऑफ 4, ठीक है ना, यानी कि जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए, हाँ, वैलेंसी 4 हो जिसके पास, है ना, और ये किस किस के साथ बॉन्ड बना सकता है बताओ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अदर कोई भी एलिमेंट के साथ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो मतलब जो कार्बन है ना, कार्बन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा है, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है बताओ, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं, ठीक है ना, तो ये रीज़न है, ठीक है। दूसरा चलते हैं आपके पास, ठीक है, हाइड्रोकार्बनों पे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन कहाँ से जनरेट हुए, दो या तीन टाइप के होते हैं, आपको तीनों टाइप के बता देता हूँ मैं, है ना। पहले तो ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हों, है ना। अब देखो सैचुरेटेड कौन से होते हैं, हैव अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ कार्बन, मतलब जब कार्बन और कार्बन की चेन बनती जाए या कुछ भी हो वहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड मिले तो उसको सैचुरेटेड बोलेंगे, लेकिन जब अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो जाए ऐसे भी केस में इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। एक थर्ड टाइप होता है उसका, उसको समझें, जो ये थर्ड टाइप होता है ना उसको ध्यान दें, ये जो थर्ड टाइप है इसको बोला जाता है एरोमेटिक। क्या बोला जाता है इसको, एरोमेटिक। आने को तो ये अनसेचुरेटेड के अंदर आता है लेकिन इसको समझ लेते हैं। देखो एरोमेटिक, एरोमेटिक के अंदर ना, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक के अंदर एक बढ़िया सा एग्जांपल होता है जो सबको जानना चाहिए, वो होता है बेंजीन, है ना,
बेंजीन क्या होता है आपका, एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो इसको समझना चाहिए, यानी कि जो साइक्लिक चेन होती हैं उनमें कुछ लॉन ये पाई बॉन्ड होने चाहिए, उसकी वजह से ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं, जो सैचुरेटेड हैं अनसैचुरेटेड हैं ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। देखें जो तीन टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बताओ। एक तो आपका एल्केन होता है, ठीक है, ये एल्केन होता है। दूसरा एल्कीन होता है। तीसरा कौन होता है बताओ, एल्काइन होता है। अब समझे कैसे, जो एल्केन होता है ये हमेशा सैचुरेटेड होता है, ये क्या होता है बताओ, हमेशा सैचुरेटेड होता है। और ये जो दोनों होते हैं एल्कीन और एल्काइन, ये क्या होते हैं बताओ, आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं बताओ, अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि C2H6 क्या है ना, C2H6 क्या है, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, क्योंकि कैटिनेशन पावर कार्बन की होती है। तो आप क्या करेंगे, एक कार्बन को ले लिया आपने, ये वाला जो कार्बन है ना, ऐसे ही एक दूसरे कार्बन को भी ले लिया आपने, और क्या कर लिया बताओ, कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा दी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किसके साथ करवा दी बताओ, आपने हाइड्रोजन के साथ करवा दी, है ना। तो इससे आपका क्या बन गया बताओ, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड रहा होगा, ऊपर एक हाइड्रोजन, ये भी क्या बताओ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या एक हाइड्रोजन, अगले में हाइड्रोजन, ये भी क्या बताओ हाइड्रोजन, ये भी क्या बताओ हाइड्रोजन। यहाँ पे ना फॉर्मूला जो यूज होगा CnH2n+2 होगा। अब जहाँ पे ना n बराबर होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या होते हैं बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे ना n की वैल्यू कितनी आ रही है, n बराबर आ रही है 2, तो इसमें हो जाएगा C2H2 × 2+2 हो जाएगा, है ना। तो इससे आपका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, C2H6, और इसी का नाम हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो जाएगा बताओ, इथेन। क्या आपको ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, देखना कि अगला वाला क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अगले वाले को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको ट्रिक वगैरह बता देता हूँ मैं, है ना, ट्रिक वगैरह बता देते हैं आपको कि इसको समझना कैसे। अब ये है C डबल बॉन्ड C, है ना, ऐसे ही इथाइन का भी मैं कर देता हूँ। ये तो हो गया आपका जी, ठीक है। अभी देखें, ये हो गया आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड, जैसे C2H6 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप मान लीजिए आपको बोला इथीन, बोला किसी ने इथीन का बना हुआ है, इथीन का बना हुआ बोला, तो आप क्या करेंगे, इथीन को दो टाइप से तोड़ देंगे, पहले एथ और दूसरा कौन सा है बताओ, ईन है। ईन तो ईन का मतलब कोई ना कोई ये क्या रहा होगा बताओ, एल्कीन रहा होगा, है ना। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। तो इथ का मतलब कितना होता है बताओ, दो कार्बन, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो C2H2 × 2 हो जाएगा, यानी कि C2H4 कुछ इस, ये वाला फॉर्मूला आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ से जैसे फोटो में दे रखा है, आपने क्या करना है, एक कार्बन ले लेना है और कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा देनी है। एक पेयर तो ये हो गया और दूसरा पेयर ये वाला हो गया, तो दोनों पेयर के बाद आपका जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइड्रोजन में साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बनाना है इथाइन का, है ना, तो इथाइन के लिए क्या करेंगे उसको ध्यान दें, इथाइन का मैं बना देता हूँ। देखिए इथाइन के लिए करना क्या होता है उसको समझें, इथाइन बोला है अगर आपको इथाइन, तो आप क्या करेंगे, एथ को अलग कर लीजिए, है ना, और आयन को अलग कर दीजिए। और आयन मीन्स कुछ ना कुछ क्या रहा होगा बताओ, एल्काइन रहा होगा, क्या रहा होगा बताओ, एल्काइन। और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n−2 होता है, ठीक है। तो एथ का मतलब तो फिर से कितना होता है, 2 होता है, तो ये n की वैल्यू आ गई आपकी। तो ये वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो C2H2 × 2 − कितना हो जाएगा, 2, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा C2H2 बन जाएगा, ठीक है। तो इथाइन का मतलब क्या होता है कि आपके ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे किन्हीं दो कार्बन के बीच में। ये तभी संभव है जब, देखो सिंगल बॉन्ड माने क्या होता है बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग,
डबल बॉन्ड माने होता है कि आपके फोर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और ट्रिपल बॉन्ड माने क्या हो जाएगा बताओ, कि सिक्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो सिक्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब तीन इलेक्ट्रॉन इसके होने चाहिए, इस वाले कार्बन के, है ना, और तीन इलेक्ट्रॉन कौन से वाले के, दूसरे वाले कार्बन के होने चाहिए, कुछ ऐसे। यहाँ पे भी क्या होगा बताओ, दूसरा कार्बन होगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बताओ, और बचा है, और जिसके साथ कहाँ कौन होगा बताओ, हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन हो गया, जिसके साथ क्या होगा बताओ यहाँ पे, सॉरी, जिसके साथ क्या हो जाएगा बताओ आपका, ये है ना, यहाँ पे आ गया आपका कार्बन, जिसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा एक, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अभी देखें क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने ये वाले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कर लिए, ये वाले हाइड्रोजन ने भी अपने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे। फिर ये जो कार्बन होगा इस तरफ का, उसने भी अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे ले लिया, और उस वाले कार्बन ने भी क्या कर दिया बताओ, ये वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले लिया, ठीक है। ये बन गया आपका इथाइन, यानी कि अगर इसको बनाना चाहें जर्मनली तो क्या बनाएंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन, एल्काइन है, और ये क्या बताओ इथाइन है। आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। फिर देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए सी एच फोर मतलब मीथेन हो गया, सी टू एच सिक्स मतलब इथेन हो गया, सी थ्री एच एट मतलब प्रोपेन हो गया, सी फोर एच टेन मतलब आपका ब्यूटेन हो गया, सी फाइव एच ट्वेल्व मतलब क्या हो गया होता है पेंटेन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब दूसरा लेके आते हैं कि भाई अगर ना हमारे पास कुछ ये हो कि हम कुछ ये लिए चलें कि हाइड्रोकार्बन को कैसे लिखना है, तो इसको समझें, स्ट्रेट चेन किसको बोलेंगे जिसमें केवल केवल कार्बन ही कार्बन होंगे, मतलब सीधे ही सीधे कार्बन होंगे, जैसे ये वाली हो। ब्रांच किसको बोलेंगे, या तो देखो या तो आप ऐसे बना लो इसको, या फिर क्या कर लो बताओ, यहाँ से ऐसे बना लो फिर, है ना, ब्रांच हो रही है, या फिर केवल इन तीनों को ले लो, लेकिन एक कार्बन क्या हो रहा है, छूट रहा है। उसके बाद देखो आपके पास अगले होते हैं साइक्लिक सैचुरेटेड, तो साइक्लिक सैचुरेटेड को देखेंगे तो आपके पास कौन सा है बताओ, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, यानी कि मतलब एक छह कार्बन कंटेनिंग वाला एक सैचुरेटेड है, और ये क्या है आपका अनसेचुरेटेड है, ठीक है ना, साइक्लिक ही है ये भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगला चलते हैं, देखिए अगला है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलेंगे, ध्यान दें स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आइसोमर होते क्या हैं, तो आइसोमर होते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, क्या होते हैं बताओ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कहीं पे, कि जो आइसोमर होते हैं ना, आइसोमर होते हैं आपके कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट और क्या हो सकता है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, है ना, लेकिन क्या हो सकता है बताओ, उनके फंक्शनल ग्रुप या फिर ये सारी चीज़ें अटैचमेंट ये सब क्या हो सकते हैं बताओ, सेम हो सकते हैं, तो ये क्या होते हैं आइसोमर होते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं वो क्या होते हैं उसको समझो, दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला, या सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर आर क्या हो जाएंगे बताओ, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे आपको बताऊँ ब्यूटेन के लिए, है ना, ब्यूटेन के दो टाइप के बनते हैं आइसोमर। सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन वाला बन रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ऐसे करके। दूसरा आपका क्या बन रहा है बताओ, इसमें ब्रांच वाला बन रहा है, ठीक है।
दूसरी बात यह आती है कि इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ आप लोग के लिए कि जो आपका ये है आइसोमेरिज्म है, इसको आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने एक वो किया था आप लोग के लिए, वीडियो अपलोड किया था। आप लोग प्लीज़ उसको एक बार रेफ़र करें, आपको बहुत इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसमें ना आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि क्या होते हैं करके। फिर चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो फंक्शनल ग्रुप को मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको कि फंक्शनल ग्रुप बोलते किसको हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं। मान लीजिए आपके ना कार्बन है, जैसे CH3 है, मान लीजिए मैं अभी लिखते जा रहा हूँ, CH2 है, यहाँ पे भी क्या है बताओ, CH3 है। देखिए तीनों का, यहाँ पे तीन कार्बन है, तीनों कार्बनों की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी सेम होगी, और जो हाइड्रोजन होंगे उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या होंगी बताओ, सेम होंगी। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया कि ऐसे ही मैंने तीन कार्बन वाला तो ले लिया, CH3 CH2 CH2OH कर दिया मान लीजिए मैंने, है ना। अब क्या हो गया, कार्बन भी तीन है, हाइड्रोजन भी सेम है, लेकिन एक ऑक्सीजन आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बताओ, इस पूरे मॉलिक्यूल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो क्या हो जाएंगी बताओ, चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे केस में आप बोलेंगे कि ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे आप, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, जो कि अपना सेपरेट फंक्शन शो करेगा। तो हाइड्रोकार्बनों में जब क्या हो जाता है बताओ, एक या एक से ज़्यादा जब हाइड्रोजन को क्या किया जाता है बताओ, रिप्लेस किया जाता है ना, किसी दूसरे एटम से, है ना, वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये तभी हो पाएगा जब आप किसी हेट्रो एटम को लेके आएंगे। तो हेट्रो एटमों के ना कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आप लोग के लिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं, है ना। तो ये जो है आपके लिए है, देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और इनके नाम क्या क्या होते हैं, इनको भी समझा देता हूँ। अगर हेट्रो एटम, मान लीजिए ना आपने क्या किया, एक कोई CH4 था, CH4 में से माइनस हाइड्रोजन कर दिया और प्लस Cl कर दिया, तो आपका बनेगा CH3Cl बनेगा। बेटा इसका नाम होता है मीथेन, क्या होता है बताओ, मीथेन होता है। अब क्या हो जाएगा इसका नाम बताओ, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम, क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। अब एक बार बताओ, तो ये क्लोरीन की वजह से इसमें पूरे में चेंज आए होंगे, तो ये हेट्रो एटम है ना, और इसको जो बोला जाता है क्लोरो ब्रोमो नाम दिया जाता है, जैसे इसका नाम ना एक और होता है क्लोरोमेथेन, क्या होता है बताओ, क्लोरो मिथेन भी इसका नाम होता है। क्या आपको समझ में आया, सिर्फ फॉर्मूला -Cl2-Br Cl2 लिखने की, वैसे हाँ Cl2 नहीं लिखना चाहिए वैसे, है ना, यहाँ पे Cl2 नहीं होगा, -Cl-Br होगा। ये तो हेट्रो एटम Cl और Br से आने वाले हो गए, ब्रोमो, Br अगर लगा होगा तो ब्रोमो। अल्टीमेटली जैसे आपके ना, जैसे F है ये लगा हो कहीं पे, या फिर Cl लगा है ना, या फिर Br लगा है, या फिर आपका I लगा हुआ है, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सबको बोला जाता है हेलोजन, क्या बोला जाता है, हेलोजन, हेलोजन। तो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स को क्या बोल सकते हैं बताओ, हेलो, हेलो मतलब जैसे फ्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, है ना, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, है ना, ब्रोमो, आयोडो हो गया, आयोडो हो गया, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और आगे देखें, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन आ जाए, अगर ऑड में क्या आ जाए बताओ, ऑक्सीजन आ जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको भी ध्यान दें कि ऑक्सीजन ना तीन चार टाइप से आ सकते हैं। कैसे आएंगे, पहले तो ये है कि अल्कोहल के फॉर्म में आ जाए, मान लीजिए फिर से वही, से मान लो CH4 था आपके पास, आपने क्या किया ना, माइनस कर दिया एक हाइड्रोजन को और प्लस कर दिया OH को, तो बनेगा CH3OH बनेगा आपका, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, अल्कोहलिक। इसका नाम मीथेन बोला तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल नाम हो जाएगा, अल्कोहल, सही है। उसके बाद देखो, अगर मेरे पास ना ऐसे सी क्या है बताओ, CH4 है ना, CH4 है, मैंने क्या कर दिया बताओ, यहाँ पे से ना, सुनो, यहाँ पे से ना -2 हाइड्रोजन कर दिए और प्लस
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया, तो ऐसे में क्या बन जाएगा, दो हाइड्रोजन हटा दो कार्बन से, लेकिन दो हाइड्रोजनों को रहने दो, तो एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना, एल्डिहाइड हो गया। ऐसे ही कीटोन हो सकता है, कीटोन में ना जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, CH3 CH2 CH3 आपको दे रखा है, आपको करना क्या होता है ना, कीटोन में जो ये बीच वाला कार्बन है इसके दोनों हाइड्रोजन को -2H कर दो और प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दो, तो बनेगा आपका जो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा इसका नाम होता है प्रोपेन, क्या होता है बताओ, प्रोपेन होता है, और इसका नाम क्या हो जाता है बताओ, एसीटोन होता है, इसका नाम क्या होता है बताओ, एसीटोन। तो ये कीटोन बन गया है, तो इसकी पूरी की प्रॉपर्टी, भले ही तीन कार्बन है लेकिन पूरी प्रॉपर्टी क्या हो गई इसमें भी, अलग हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो आप से कार्बोक्सिलिक एसिड, अगला है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लीजिए आपको दे दिया CH3 CH3 दे दिया है ना, ऐसे केस में क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पे ना आपको चेंज क्या क्या लेके आना है, कि आपको यहाँ से ना, यहाँ से इस वाले से -3 हाइड्रोजन कर देने हैं, और प्लस में क्या करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करना है, प्लस में OH भी कर देना है, और ये जो दोनों होंगे ये इसी कार्बन पे लगाना है, तो बनेगा क्या आपका CH3 बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा बताओ, OH हो जाएगा। दो हाइड्रोजन हटा तो एक ऑक्सीजन आया, एक हाइड्रोजन हटा तो आपका एक OH आया, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं होमोलोगस सीरीज की तरफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत सिंपल सा भी रहता है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज को समझते हैं बेटा, होमोलोगस सीरीज होती क्या है ना, कि ऐसी सीरीज है ना, ऐसी सीरीज मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन एटम, जैसे देखो फॉर इंस्टेंट द एल्कोहल्स CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH। जैसे अगर देखा जाए तो आपके पास ना एक CH4 होता है, वहाँ से आपने एक हाइड्रोजन को माइनस हाइड्रोजन किया था तभी जाके तो आपका CH3OH बना था, ऐसे ही C2H6 होता है, यहाँ से आपने माइनस को हाइड्रोजन कर दिया था तभी जाके आपका क्या बना था, यहाँ पे बताओ, तभी जाके तो आपका और ये C2H5OH बना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब दरअसल ना अब क्या हो जाए, देखो जब आप CH3OH से C2H5OH में जा रहे हो या फिर C3H7OH में जा रहे हो, तो चेंज क्या क्या आ रहा होगा उसको बताता हूँ। देखिए बेसिकली जब आप ना ऐसे चेंजेस लेने लाना चाहते हैं ना, उस टाइम पे ना आपके पास जो आता है उसका नाम है देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान दें। आपने लिया था सबसे पहले CH3OH, क्या लिया था बताओ, CH3OH लिया था, मिथेनॉल है इसका नाम, मिथेनॉल एक एल्कोहल है। अब जैसे आप C2H5OH आए ना, चलो इसको ना मैं एलेबोरेट करके लिख देता हूँ, ये होता है CH3 होता है, CH2 होता है, OH होता है, बताइए किस में चेंज आया, केवल CH2 में चेंज आया है ना। CH2 में चेंज आने का मतलब कितना हुआ, कार्बन का मास जो होता है वो कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताओ 1, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, यानी कि टोटल जो मास चेंज आता है होमोलोगस सीरीज में वो 14 का आता है, कितने का आता है बताओ 14 का। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए C3H7OH है तो आप क्या बनाएंगे बताओ, इसको भी एक काम करना है CH3 कर देना है, CH2 कर देना है, CH2 कर देना है, और लास्ट में OH लगा देना है। अब अगर C4H है ना आपको बोल दिया, H9OH बोल दिया, तो आप क्या करेंगे CH3 को एज इट लिख देंगे, अब जो बाकी बचे हुए ग्रुप हैं वो CH2 होंगे, कितने CH2 होंगे आपके, 3 CH2 हो जाएगा, और अगला क्या होगा बताओ, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताओ, OH। दिस इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज, ठीक है, यानी कि 14 मास जो होगा वो 14 से क्या हो जाएगा बताओ, चेंज आ रहा होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद दरअसल ना इन सब की जो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है फंक्शनल ग्रुपों को है वो क्या होती है बताओ, लगभग लगभग सेम रहेगी, जैसे मतलब C2H5OH हो गया, CH3OH हो गया, OH की सबकी क्या होगी बताओ, सेम होगी केमिकल केमिकल जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी ना यहाँ पे,
ये जो केमिकल इसकी प्रॉपर्टी होगी OH की, इस वाले की OH की, सबकी प्रॉपर्टी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी टोटल मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी बताओ, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे ही मास बढ़ेगा ना, ये वाला पॉइंट देखो आप लोग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मोलर मास, यानी कि मोलर मास जैसे बढ़ेगा, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि CH3 जो OH है, CH3OH का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो C2H5OH से क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर को समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दें, तो बेसिकली ना नोमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए दो चीज़ें याद करनी है आपको, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं, दूसरा फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड आइदर बाय प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे इनका नाम रखा जाए। सबसे पहले जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन का सफिक्स हमेशा इन होता है, ठीक है ना, यानी कि आपका जैसे ना इन कहने का मतलब सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगेगा। ठीक है, एल्काइन का हमेशा होता है आपका आइन होता है, एल्कोहल का हमेशा ऑल होता है, सफिक्स मतलब लास्ट में लगने वाला, प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला। ठीक है, एल्डिहाइड में अल होता है, कीटोन में ऑन होता है, वन नहीं होता है। ठीक है, इसमें वन नहीं ऑन होता है, ONE ऑन। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है ओइक एसिड, क्लोरीन में होता है क्लोरो होता है ना, लेकिन अब ये जो क्लोरो होगा ना ये हमेशा आपका क्या होगा बताओ, ये प्रीफिक्स होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखें जी आपको क्या करना है, अच्छा फिर समझें। ठीक है, प्रीफिक्स ये हो गया, अच्छा उसके बाद ये समझते हैं कि अगर सफिक्स जोड़ा जाए है ना, अगर सफिक्स को जोड़ा जाए तो फाइनली में ई को क्या कर देना है बताओ, रिमूव कर देना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या था, CH4 था। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा मिथेन होता है, क्या होता है बताओ, इसका नाम मिथेन होता है। अगर मैंने क्या करना है बताओ, सफिक्स ऐड करना है, क्या करना है बताओ, सफिक्स ऐड करना है, सफिक्स जैसे एल्कोहल वाला, एल्कोहल, एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है बताओ, ऑल होता है, तो आपको क्या कर देना है ना, माइनस ई कर देना है, ये लास्ट वाला जो ई लिखा है ना इसको हटा दो तो नाम बन जाएगा, तो मान नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, मिथेनॉल। यहाँ पे फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा बताओ, चेंज हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि भाई आपको बोल दिया CH4 था, वहाँ से ना एल्डिहाइड लगाना है, तो अल लगता है एल्डिहाइड में, तो ई को हटा दीजिए अल लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या है, मीथेन है, तो मेथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम बताओ, मेथेनल। ठीक है ना, जैसे कीटोन था, कीटोन का तो खैर एसीटोन से बनेगा है ना, लेकिन आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, इसको ध्यान दें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी कार्बन की, वो है कंबसन की। जब कंबसन होता है कार्बन का, तो उस टाइम पे कंबसन क्या होता है बताओ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजनों हाइड्रोकार्बनों का है ना, तो ऐसे केस में हीट निकलती है बहुत ज़्यादा, H2O तो जनरेट होता ही, और CO2 गैस भी क्या होती है बताओ, यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स जनरली विद ब्लू फ्लेम, इसको ध्यान रखना, सैचुरेटेड मतलब जैसे जिसमें हैविंग नो डबल बॉन्ड है ना, सैचुरेटेड मीन्स क्या हो जाएगा बताओ, हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ब्लू फ्लेम में होता है, और मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपका एयर एंड विद येलो स्वीटी फ्लेम इन द लिमिटेड सप्लाई, अगर ज़्यादा सप्लाई करेंगे एयर की तब क्या हो जाएगा, ब्लू फ्लेम आएगा, और अगर कम होगा तो तब येलो कलर का। ठीक है, तो दूसरा देखें ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन को देखो जी, देखो ऑक्सीडेशन में ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको समझो।
तो जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि कोई जैसे CH4 है और मैंने इसको ना CH3OH में चेंज कर दिया, तो इसका मीनिंग भी क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन होता है ये भी क्या है बताओ? ऑक्सीडेशन ही है। क्यों? कि ऑक्सी अब कार्बन के साथ क्या आ गया बताओ? OH ग्रुप आ गया। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है, सिंपल सा है। अच्छा फिर चलते हैं जी। फिर मान लीजिए अब आपसे बोला जाए ऑक्सीजन जो अल्कोहल होता है इसको ना कन्वर्ट करना है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या करेंगे हम? ऑक्सीडाइज करेंगे इसको एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और एसिडिफाइड या फिर बेसिक मीडियम में या फिर एसिडिक मीडियम में किसी में भी, तो ऐसे में क्या चेंज किसमें चेंज हो जाता है वो बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि CH3CH2OH है ना बेटा, इसको अगर आपने क्या किया KMnO4 लगाया, KMnO4 लगाया और बेस लगाया, तो ऐसे केस में क्या किसमें चेंज हो जाएगा बताओ? CH3C डबल बॉन्ड OOH में चेंज हो जाएगा। सही है। उसके बाद क्या है ना, एडिशन रिएक्शन को देखते हैं। क्या करते हैं बताओ? एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है उसको ध्यान देते हैं। ठीक है, एडिशन का मतलब ही है कि ऐड हो जाना, कोई ना कोई चीज़ ऐड होती होगी। अब एडिशन रिएक्शन ना जनरली एडिशन रिएक्शन जो होती है सोन बाय है ना, सोन सोन बाय अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ठीक है ना, तो हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो आप। हाँ, हाइड्रो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम है ना, PD है ना, निकिल Ni जिसका 28 होता है, और एक वो भी होता है जैसे PTB यूज होता है इसमें, इसका भी ध्यान रखना एज ए कैटलिस्ट। जैसे आपने देखा है ये क्या है बताओ? अनसेचुरेटेड है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बताओ? डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको ना निकिल कैटलिस्ट। अब होता क्या है ना इसमें वो बता देता हूँ आपको। ये मान लीजिए निकिल है आपका, ऐसे निकिल की एक प्लेट है, तो इसमें ना हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है? एडजॉर्ब करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है बताओ? एडजॉर्ब करवाया जाता है ऐसे ऐसे करके, है ना। ये सब चीज़ सब क्या होगी बताओ? हाइड्रोजन गैस होगी, H2 गैस होगी। दरअसल ये H2 गैस क्या करती है ना, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के खुद लग जाती है और आपका कुछ ऐसी चीज़ बना देती है। अच्छा, कोई अगर हायर लेवल का पढ़ना चाहता है तो ये होता है आपका सिस एडिशन भी होता है। क्या होता है बताओ? सिस एडिशन। तो इसका भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा देखो, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड ऑयल्स विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी, देखो अनसेचुरेटेड कोई कुकिंग करना है, जैसे मान लीजिए ना एडिबल ऑयल होते हैं ना, जो एडिबल जो ऑयल होते हैं उनका ही आप यूज करेंगे। ठीक है, एडिबल ऑयल का यूज, जैसे मतलब जो भी ऑयल होता है, ऑयल बहुत अच्छा होता है माना जाता है खाने के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं बताओ? अनसेचुरेटेड होते हैं। ठीक है ना, सॉरी मतलब सॉरी सॉरी, जो घी टाइप की चीज़ें होती है ना, घी टाइप की चीज़ें इनको अच्छा माना जाता है, और जो आपकी तेल टाइप की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं बताओ? अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा शो की जाती है कार्बन के द्वारा, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ये भी शो की जाने वाली एक रिएक्शनों में से है कि भाई ठीक है, तो कैसे होता है देखना, उसको समझा देते हैं है ना। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ना क्या क्या चीज़ें होंगी उसको ध्यान दें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या होंगे ध्यान देना ना। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे ना आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन, कि मान लीजिए ये कार्बन है, एक कार्बन है, यहाँ पे कोई सीएल लगा है, मान लो मैंने अब ये सीएल को हटाना चाहता हूँ और इस एक्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट में क्या बन जाएगा आपका? सी और एक्स का बॉन्ड बनेगा, प्लस सीएल क्या हो चुका होगा? निकल चुका होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने। ठीक है,
तो जैसे हाँ यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो कैसे होता है उसको समझाता हूँ। यहाँ पे ना आपके पास जो CH4 दे रखा है, ये जो CH4 दे रखा है इसको ऐसे बना लो आप, ये हाइड्रोजन और ये भी क्या कर लो आप, हाइड्रोजन बना लो। अब अगर ना मतलब जो एच न्यू होगी ये सनलाइट पड़ेगी तो इसमें ना फिजन होता है, ये बॉन्ड टूटने लगता है, और ये जो बॉन्ड टूटता है इसको बोला जाता है होमोलाइटिक क्लीवेज बोला जाता है। यानी कि एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होते होंगे ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चले जाएगा, तो बनेगा क्या, देखो कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेंगे, ये वाले हाइड्रोजन तो एज इट इज रहे, लेकिन एक एक जो इस वाले यहाँ पे जो कार इलेक्ट्रॉन था ये आया होगा इसके पास, कुछ ऐसा बना होगा। ऐसे इससे पहले क्या हो चुका होगा बताओ, एक Cl है आपके पास, दूसरा भी क्या है बताओ Cl है, इसने भी जब एच न्यू लिया होगा तो एच न्यू के प्रेजेंस में इसका भी होमोलाइटिक क्लेवेज हुआ होगा, तो वहाँ से भी जो आपको Cl रेडिकल मिला है इसको ना रेडिकल बोला जाता है बेटा। ये रेडिकल क्या करेगा बताओ, यहाँ पे आएगा और ये रेडिकल भी जाएगा, और अल्टीमेटली जो आपका बॉन्ड बनेगा वो CH3Cl बन जाएगा, ठीक है ना। इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दो चीज़ें हैं मान लीजिए ना, आपके पास है एक इथेनॉल है और दूसरा इथेनोइक एसिड है, ठीक है। ये बना कैसे सबसे पहले उसको बता देता हूँ कि मान लीजिए ना आपके पास जो इथेनॉल था, इथेनॉल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, CH3OH होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि KMnO4 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो ये इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच में ये क्या हो जाता है बताओ, चेंज हो जाता है। तो इसकी ना बात करते हैं, देखो इथेनॉल जो है ना, ठीक है, इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल का जो इथेनॉल सॉल्यूबल है सबसे पहले तो किस में बताओ, वाटर में सॉल्यूबल है। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 351 केल्विन है, और बर्निंग टेस्ट आता है इसका, है ना, और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी 156 केल्विन के आसपास है मेल्ट होने वाला, है ना। दूसरा देखो कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यू एंड इनटेक ऑफ प्योर एल्कोहल इज लीथल, लीथल मतलब हानिकारक। अब देखो जो ना जैसे लैब में आप जाते हो 99% दिखाया जाता है आपका, या फिर स्पिरिट लिखा जाता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ना नहीं करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए आपको। दूसरा आगे की कुछ रिएक्शंस हैं इथेनॉल की, उसको समझा देते हैं। देखो इथेनॉल की रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है, बस कुछ ट्रिक है, ट्रिक को समझ जाना है आपको, ट्रिक से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे ना आपने क्या किया है ना, ये वाली रिएक्शन को देखिए, C2H5OH है ना, C2H5OH, इसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ करते हैं बताओ, सोडियम के साथ करते हैं, तो ये क्या करता है ना, H2 गैस को निकाल देता है, क्या कर देता है बताओ, H2 गैस को निकाल देता है और बनाता क्या है बताओ, सोडियम इथोक्साइड, क्या बनाता है इसका नाम, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। लेकिन अगर इसी में H2SO4 मिक्स किया जाए तो क्या बनेगा उसको बताता हूँ। देखो CH3 को ना कुछ ऐसे लिख दो, हाइड्रोजन ये भी है आपका हाइड्रोजन, ये भी क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन, आगे ये क्या रहेगा बताओ कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये क्या रहेगा बताओ OH रहेगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ना इसके पास ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, और आपने H2SO4 जो दिया है ना ये क्या है बताओ, एसिड है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन देता है। अगर ये एच पॉजिटिव आयन देगा तो क्या होगा समझे, अगर ये एच पॉजिटिव आयन देगा तो हम यहाँ पे ना एच पॉजिटिव लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस पे अटैक कर रहे होंगे, अटैक कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है यहाँ पे जी, यहाँ पे भी बेटा क्या है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना। ये भी क्या है बताओ आपका हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, ये हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया यहाँ पे ओ, हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या आ गया बताओ हाइड्रोजन। अब इसमें ना पॉजिटिव चार्ज आया, ये ना निकल जाता है, इसको याद रखना, ये निकलेगा तो आपका बनेगा देखो सी, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, यहाँ पे भी क्या आया बेटा हाइड्रोजन आया, ये भी क्या आया बताओ हाइड्रोजन, ये क्या आया सी हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयन जब कोई चीज़ छोड़ के जाती है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको ध्यान रख। फिर आपने ना स्टार्टिंग में क्या कर रखा है, एच पॉजिटिव का यूज किया हुआ है, तो ये एच पॉजिटिव आपको वापस करना भी पड़ेगा जहाँ से लिया था, तो ये क्या हो जाता है, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो आपका बनेगा सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा है, ये भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये भी क्या लगा है बताओ, हाइड्रोजन, ये भी क्या लगा है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो आपका इथाइल एल्कोहल का जब प्रोटो एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इथेन बने, इथीन बनेगा, क्या बनेगा बताओ, इथीन, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए उसके बाद क्या है ना, ये जो यूज होता है ये किस किस में, इथेनॉल का जो यूज है उसको समझ लें। इथेनॉल का यूज है आपका एल्कोहलिक ब्रिवेजेस बनाने में, आपका मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, टॉनिक्स में यूज होता है, लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, सॉप बनाने के काम आता है, कॉस्मेटिक्स बनाने के भी ये क्या होता है, काम आता है, ठीक है। अगला देखिए इथेनोइक एसिड के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा इथेनोइक एसिड के बारे में, है ना। और इनसे ना क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला समझ सकते हैं आप इसको, तो क्वेश्चन क्या आता है उसको भी ध्यान देना, आपको बता दूंगा क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहले तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, या फिर इसी को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसी का फॉर्मूला ऐसा होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो अच्छा, इसका ना जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उन सबको देखें आप लोग, इथेनोइक एसिड है, यहाँ पे है आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, सुनना जी, इसका ना जो बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन है ना, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 290 केल्विन है। वाटर में क्या है, ये सॉल्युबल है, और टेस्ट कौन सा होता है इसका, सोर टेस्ट का होता है, ठीक है। अच्छा ये ना जैसे आप लोग, काफ़ी लोग चाउमीन वगैरह खाते हैं तो उसमें ना आपने देखा हो विनेगर डाला जाता है, तो विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है ना। इसको लैब में बनाया जा सकता है, ठीक है, विनेगर की तरह ये काम कर लेगा, ठीक है। दूसरा प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो आपका लैब में 100% प्योर मिलता है उसको क्या बोला जाता है बताओ, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले सोडियम, यानी कि सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथोनेट एंड हाइड्रोजन कैसे बनता है, देखो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH होता है ना। आप यहाँ पे क्या कर दो ना, इसमें जो सोडियम इथोनेट का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला कुछ यूँ होता है, CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस, और क्या हो जाता है बताओ, Na पॉजिटिव, प्लस क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन H2, ये आपका बनता है, ठीक है ना। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, CH3COONa माइनस, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इससे पहले ना एक बार मैं शॉर्टकट ये बताना चाह रहा था कि जो इथेनॉल था, जैसे CH3 था, CH2OH था, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम के साथ करवाई थी, तो ये बना रहा था CH3CH2O माइनस Na पॉजिटिव बना रहा था, ऐसे ही क्या कर देता है, यहाँ पे से भी ये हाइड्रोजन को निकाल देता है, ठीक है। अच्छा इसकी रिएक्शन अगर ना Na2CO3 के साथ करवाते हैं तो सोडियम क्या बना लेता है बताओ, एथोनिएट बना देता है, क्या बना देता है बताओ, सोडियम एथोनिएट। तो एक तो ये हो गया आपके पास कि भाई जब आपका ये आएगा, है ना, हाइड्रोजन गैस कब कब निकलेगी वो तो आप बता सकते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन गैस कब निकलेगी, जब आपके पास ये दिया होगा, है ना। अब ये है ना, जब आपको सोडियम इथोनिएट बनाना है तो इथोनिएट का फॉर्मूला क्या होगा और ये सब चीज़ें क्या होंगी उसको भी ध्यान दें, कि यहाँ पे आपका बन जाएगा सोडियम इथोनिएट का मतलब क्या हो जाएगा, सेम टू सेम CH3CO(O)- और Na पॉजिटिव बनाएगा, प्लस CO2 भी निकलेगा, प्लस H2O भी निकलेगा,
ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा, सी ओ टू। वाटर मतलब क्या हो जाएगा आपका, एच टू ओ। सोडियम इथोनियट कौन सा वाला, यही वाला, ठीक है। तीसरे वाले में अगर बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो ऐसे केस में सोडियम इथोनियट तो बनेगा ही, यानी कि CH3COO- Na पॉजिटिव तो बनेगा ही, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर भी इससे क्या हो जाएगा बताओ, रिलीज होगा। दूसरा, अगर इथेनॉल के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, अब देखें ये कैसी रिएक्शन होगी उसको समझो। ये रिएक्शन को ना लिखने का तरीका है कि आपके पास दिया है, मान लीजिए ना, है ना, आपको दिया है मान लीजिए CH3COOH दिया है, तो आप क्या करेंगे बताओ, CH3CH2OH करेंगे, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके बताओ, एसिटिक एसिड के। तो ये क्या बनाता है बताओ, एस्टर बनाता है। तो एस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका RC(OOR) होता है ना, या फिर R बराबर होता है एनी एल्किल ग्रुप, ठीक है ना, और वाटर मतलब H2O। सही है, आई होप ये आपको आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास एक दो रिएक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शनें दे रखी है ना, जो इन वाली रिएक्शनों को आप आराम से कर सकते हो। एनीवे लेट मी एक्सप्लेन दीज रिएक्शंस वन बाय वन, ठीक है। तो सुनना, सबसे पहले आपको दे रखा था NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है ना, ये है आपका एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे तो आपका बन जाएगा सोडियम इथोनिएट। क्या बनेगा ये बताओ, सोडियम इथोनिएट, इथेनोएट, ये ठीक है। दूसरा, अगर Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो सोडियम इथोनेट तो बनता है, CO2 भी बना रहा है, H2O भी बना रहा है। सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो सोडियम इथोनेट तो बना रहा है, H2 बना रहा है गैस, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो देखो ये वाला, देखो ये जो CH3 है ये, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, R लिख सकते हो। ये जो C2H5 दिख रहा है इसको भी क्या लिख सकते हो आप लोग, R- लिख सकते हो, है ना। यानी कि ये बन गया आपका, ये एस्टर होता है, ये क्या होता है बताओ, एस्टर, ठीक है। और ये भी क्या है आपका, सोडियम इथोनिएट है, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के ये हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा रहे हो। तो दीज आर सर्टेन रिएक्शंस विच आर एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। फिर चलते हैं स्टरीफिकेशन में, तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है उसको समझते हैं। देखें स्टरीफिकेशन रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कुछ, है ना, तो उसको समझते हैं जी। देखो जब कार्बोक्सिलिक एसिड ना, सुनो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं बताओ, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, है ना। तो ऐसे में ना एक स्वीट स्मेलिंग वाला जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, एस्टर बोलते हैं। जिसे ना आपको एक बात बता दूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करे किसके साथ बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इससे आपका बन जाता है एस्टर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ना आप हीट करते हो, जैसे हीट करोगे एस्टर को, क्या करोगे बताओ, हीट एसिड या फिर बेसिक मीडियम में, तो क्या बना लेगा, ओरिजिनल चीज़ बना देगा। जैसे ना यहाँ पे देखो आप लोग, यह है आपका CH3C(OH), ये एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवानी है, ये अल्कोहल की, इससे आपका बनता तो क्या, उसको ध्यान दो, उससे इससे आपका बनता CH3C(OH), है ना, OCH2CH3, ये बनता, और ये क्या होता बताओ आपका, इस्टर होता है ना। लेकिन अगर आपने ना इसी में क्या कर दिया बताओ, एसिड या फिर बेस मिला के गर्म कर दिया, तो ये फिर से क्या बना देगा आपको, यही चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो अब एक चीज़ और है, सेपोनिफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। इसको ना आप याद रखेंगे, इस वाले को आप याद रखेंगे।
ठीक है। सॉप क्या होते हैं, उसको साबुन क्या होते हैं उसको समझते हैं, है ना। सॉप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए सॉप क्या होते हैं उसको समझते हैं सबसे पहले। पूरे सॉप का अगर फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला थोड़ा सा ना आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, लंबाई होता है, लेकिन जान लेते हैं फिर भी, है ना। लिक्विड और सॉलिड सॉप के बारे में जान लेते हैं, दोनों चीज़ों को बता दूंगा। अच्छा, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होते हैं सॉप, है ना। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन सॉप्स आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर वाइल इनफेक्टिव विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ आपने देखा होगा जो झाग होता है वो कम आता है ना, जबकि सॉफ्ट एसिड यानी कि गर्म पानी के साथ ज़्यादा झाग आता है, ठीक है। डिटर्जेंट्स आर द अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। देखो अब ना एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, यहाँ तक की चीज़ें ये जो आपको दे रखी हैं, हाइड्रोफिलिक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ये सब दे रखा है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो जनरल फॉर्मूला होता है सॉप का वो क्या होता है ना। देखिए जो सॉप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH3 CH2 का होल एन, और यहाँ पे होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और एन ए पॉजिटिव। अगर ये एन ए पॉजिटिव लगा हुआ है तो ये जो ग्रुप है ना सी ओ ओ माइनस ये वाला ग्रुप है यहाँ से लेके, है ना, यहाँ तक का ये जो ग्रुप है इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप। क्या बोला जाता है इसको, हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ये जो हाइड्रोफिलिक का मीनिंग है ना, इसका मतलब है हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर है ना, वाटर को जो फिलिक करेगा यानी कि जो पसंद करेगा उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। और जो ये इस तरफ का जो ये वाला पूरा ग्रुप है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होगा आपका हाइड्रोफोबिक ग्रुप। क्या होगा ये, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो सॉलिड होता है इसको बोला जाता है सॉलिड, अच्छा सॉलिड सॉप बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है बताओ, सॉलिड सॉप। अगर लिक्विड की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला हो जाता है सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है उसको समझे, CH3 CH2 का होल एन, है ना, होल एन सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी के पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के पॉजिटिव। यहाँ पे भी सेम टू सेम ये जो पार्ट है ये क्या होगा बताओ, आपका हाइड्रोफिलिक होगा, ये क्या होगा बताओ, हाइड्रो फ्लेक। और ये जो होगा ये क्या होगा बताओ, आपका हाइड्रोफोबिक। और एक चीज़ है, इस वाले को हम बोलेंगे, इस टोटल फॉर्मूले को बोलेंगे लिक्विड सॉप, क्या बोलेंगे बताओ, लिक्विड सॉप, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका, दो तीन चीज़ें और हैं इसके अंदर, है ना। एक्शन कैसे लिया जाता है, एक्शन कैसे होता है उसको समझते हैं सॉप एक्शन। इसके बारे में ना एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। जो भी डर्ट होता है ना वो सब हमेशा ऑयली नेचर का होता है, एंड द हाइड्रोफोबिक एंड अटैच्ड इटसेल्फ विद डर्ट, ठीक है, वाइल द आयनिक एंड इज सराउंडेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिशेल, ठीक है ना। मिशेल बनते हैं इससे, कैसे बनते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, ये कुछ ऐसे मिशेल बनते हैं, देखिए मिशेल कुछ ऐसे ही बनते हैं। देखो बेटा ये ना आपका है, ये जो ब्लैक कलर दिखा रखा है ना बीच में, ये है आपका डर्ट है, ये क्या है बताओ, आपका डर्ट है, डर्ट है। और ये जो आपने देखा था ना, जैसे CH3 था CH2 का होल एन था
और सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और एन ए पॉजिटिव या फिर के पॉजिटिव आप ले रहे थे, है ना। ये जो वाला यहाँ तक से यहाँ तक का चीज़ है ना, इसमें डर्ट चिपक जाता है। क्या हो जाता है बताओ? डर्ट चिपक जाता है। जबकि ये जो ये वाला ग्रुप है, इतना सा ग्रुप है, ये होता है सराउंडेड बाय वाटर। क्या होता है बताओ? सराउंडेड सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा बताओ? जैसे आपका, तभी तो तेल धुलता है इसमें, है ना। तभी तो क्या हो जाता है बताओ? तेल धुल जाता है साबुन से। इसका रीज़न ही क्या है बताओ? ये वाला, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इसी चीज़ को आपको बोला जाता है, मिशेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मिशेल बोला जाता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे देखना कि इमल्सन क्या होता है, उसको समझें। कि इमल्सन होता है सॉफ्ट मॉलिक्यूल से बनने वाली चीज़ है, ये है ना। द क्लोथ नीड्स टू बी मैकेनिकली एग्रीटेड टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल फ्रॉम द क्लोथ, ठीक है ना। स्कम क्या होता है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंसॉल्युबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। देखो, आपको पता है ना, हार्ड वाटर जो होता है इसमें ना कैल्शियम और फिर आपके मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये जो इंसॉल्युबल चीज़ें होती हैं, ये किसके साथ अटैच हो जाएंगे? आपके सोप के साथ। और इससे क्या बना लेंगे आप? स्कम बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी क्या होती है बताओ? आपकी सॉप की है। और ये होल चैप्टर जो बना हुआ है, ये आपका है पूरा का पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।